नमस्कार। आज मैं आपको एक इतना साधारण सा एक उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, और अगर मसल्स में पेन है, क्रैम्प्स हैं, और अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, सूजन है, तो उस सब में फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत ही साधारण सी होम रेमेडी है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है नमक का और फिटकड़ी का। नमक आपको इस्तेमाल करना है सेंधा नमक, जो सफ़ेद जहर है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। आप जब नहाते हैं तो अपने नहाने के पानी में आपको मिलाना है सेंधा नमक और फिटकड़ी। उसको अच्छे से घोल लीजिए, मिला लीजिए अपने नहाने के पानी में। और अगर आप बाथटब में बाथ लेते हैं तो और भी अच्छा है, तो आप अपने आप को डिप कर सकते हैं थोड़ी देर में उसके लिए उसके अंदर, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन जिन लोगों को बीपी कम रहता है, जिनको बीपी कम है, नीचा बीपी है, तो उनके लिए लाभदायक है कि सेंधा नमक को वो पानी में डालकर पिए। लेकिन जिन लोगों को बीपी हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए अच्छा है कि वो सेंधा नमक के पानी में या फिर समुद्री पानी में भी स्नान लें, बाथ लें, तो अच्छा रहता है। बस इस छोटा सा एक होम रेमेडी मैं आपसे यहाँ शेयर करने आई थी। जुड़े रहिए। धन्यवाद।